गोश है उसे। अब ये ईद का महीना है, ईद के कुछ दो तीन महीने के बाद फिर आ जाएगा बकरीद का महीना, बकरीद के बाद नेक्स्ट महीना जो मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम में हम गम मनाते हैं। और हमारा अकीदा है कि ये जिसका गम हम मनाते हैं वो साहिब एजाज है। लिहाजा मैं तमाम शियों को इत्मीनान देना चाहता हूँ कि कोई पर्व हो या ना हो, लेकिन पूरे दुनिया में मुहर्रम का पर्व होकर रहेगा। और इसके लिए हम कोई लॉकडाउन और पॉकडाउन को माने मानेंगे नहीं। सीधी दीवार जो है वो ये है, हम अपनी जानें दे देंगे, अपनी कुर्बानियाँ पेश कर देंगे, लेकिन मुहर्रम मना कर रहेंगे पहले से हम गवर्नमेंट को बता देंगे। मुहर्रम में ये हम सब 420 की बातें जो नहीं चलने देंगे। हर 420 भी है, इसमें गड़बड़ सड़बड़ भी है, लेकिन कुछ हकीकत भी है। लेकिन मुहर्रम में कोई भी कुर्बानी देना पड़े हम हिंदुओं से नहीं कहेंगे आप आके अपनी गर्दन कटवा दीजिए। हम क्रिश्चन हम खुद अपनी कुर्बानियाँ देंगे, मुहर्रम से दुआ करेंगे कि ये अर्ज़दारी अगर एक मरतबा बंद हो गई तो उसका खुलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम अर्ज़दारी को हर कीमत पर, ख़ास तौर पर लखनऊ में और दुनिया के हर कोने में बरकरार रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसमें अमन से रहिए, अमान से रहिए, सुकून के साथ रहिए, किसी को डिस्टर्ब ना होना चाहिए। इस्लाम में इबादत का कोई ऐसा तरीका जायज़ नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, शरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, और यही मेरा आखिरी जुमला है। इस्लाम में इबादत का किसी अच्छे तरीके से इजाज़त नहीं है कि जिससे आप